नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं जसवंत मेहता। और दोस्तों आज हम पॉलिटिकल के एक टॉपिक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, संविधान का निर्माण। इस टॉपिक से भारतीय संविधान सभा से संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित लगभग 50-52 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, वो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा किसने प्रदान की। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा। एसएससी 2006 में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है, वो सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया। संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया। चार ऑप्शन आपके सामने, 23 जून 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1947। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय झंडा की हम बात करें, देश का राष्ट्रीय झंडा, तो आपका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। साथ में हम एक बार बात कर लें कि तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो भारत की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, पट्टाभी सीतारमैया या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही आंसर होगा डॉक्टर बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। पहला ऑप्शन 500, दूसरा ऑप्शन 389, 379 या 388। और जो आपका सही आंसर है, वो सही आंसर है दोस्तों 389, कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 389 सदस्यों में से 292 सदस्य लिए जाने थे प्रांतों से, 93 सदस्य लिए जाने थे रियासतों से, देसी रियासतों से, और 4 सदस्य लिए जाने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इस प्रकार 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 चीफ क्षेत्रों से, इस प्रकार कुल मिलाकर 389 सदस्य संविधान सभा में होने थे कैबिनेट मिशन के अनुसार। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई, यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई। अंतरिम सरकार जो भारत की बनाई थी, देखिए अंतरिम शब्द का सीधा सा अर्थ होता है, आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ, अंतरिम शब्द का सीधा सा अर्थ काम चलाऊ हम कह सकते हैं। काम चलाऊ सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई, यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वैवेक मिशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा, यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई। तो संविधान सभा का जो गठन किया था, वो किया था दोस्तों कैबिनेट मिशन ने आकर। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम चर्चा करें, तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डी पी खेतान, के एम मुंशी या उपयुक्त सभी थे। देखिए प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, जिसमें से अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी उसमें शामिल थे, डी पी खेतान भी उसमें शामिल थे, के एम मुंशी भी उसमें शामिल थे। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी थे, यानी प्रारूप समिति में ये सभी सदस्य शामिल थे। साथ में आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि प्रारूप समिति के जो ये सदस्य आप देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन डी पी खेतान, इन डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो डी पी खेतान की मृत्यु पर जो नए मेंबर लिए गए थे, वो नए मेंबर लिए गए थे टी टी कृष्णमाचारी। ये आप साथ में याद रख लेंगे कि डी पी खेतान की मृत्यु पर नया सदस्य कृष्णम आचार्य को लिया गया था, ये भी आप साथ में थोड़ा सा याद रख लें। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई।
संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। और जो आपका सही आंसर है वो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान में शामिल है, ऑप्शंस हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। सेकंड ऑप्शन 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियाँ। थर्ड ऑप्शन 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूचियाँ। लास्ट ऑप्शन है 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 16 जून 1946। और जो हमारा सही आंसर है संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना के बारे में, तो हमारा सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 की प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? चार ऑप्शन 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 22 जनवरी 1947। देखिए, जो संविधान देने का प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसे पारित किया गया था। यह हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न, अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों कि 24 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं था? 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उस कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, यानी इसमें शामिल थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे, लॉर्ड वेवेल इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और तीनों के नाम आते हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवेल इस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत दिया गया? जो भारत के संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत दिया गया, यानी उस प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत हुआ? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का भारत में गठन किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। तो देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। यानी यह आपका सही सुमेलित कोड है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, वी एन राव या जे बी कृपलानी। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी
उस पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और इसके लिए जो आपका सही आंसर है वो सही आंसर है डॉक्टर बी एन राव। सबसे पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था वो सबसे पहला प्रारूप डॉक्टर बी एन राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ? संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति ने, उस प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ? देखिए उस पर तीन वाचन हुए थे, मैं तीनों ही आपको बता देता हूँ। प्रथम वाचन शुरू हुआ था 4 नवंबर 1948 को और वो चला था 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन यानी तृतीय वाचन कब हुआ? तो हमारा सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में कब परिवर्तित कर दिया गया? ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947। तो संविधान सभा को अंतरिम संसद में जो बदला गया था, हमारा सही आंसर है 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला प्रश्न है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है? किसने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी? ऑप्शन है हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या मोहनदास करमचंद गांधी। और ये जो कथन है, ये कथन है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का कथन है। इन्होंने ये कथन कहा था 1922 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी और इसे हम कहते हैं 20वीं सदी का संविधान निर्माण का पहला प्रयास, भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्यों में से देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? अभी पीछे प्रश्न आया था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, वहाँ आपको बताया था 389। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि 389 में से 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होने थे। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि, तो देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि होने थे। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य, अभी 4 ऑप्शन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस द्वारा नामांकित प्रतिनिधि थे, ये कथन भी हमारा सही है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, ये भी सही है। यानी कुछ सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, कुछ प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और साथ में कांग्रेस के द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी थे, यहाँ पर नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स भी थे। तो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी संविधान सभा में उपयुक्त सभी प्रकार के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946 या दिसंबर 1946? तो हमारा सही आंसर है दोस्तों सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनाई गई, उस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, यह प्रश्न की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 7 मेंबर, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष हैं, साथ में 6 सदस्य और भी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 27 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1950। और जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर है 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए,
संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 27 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1950। और इसके लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। 284 सदस्यों ने संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दी? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन के संसद में रखा गया था 3 जुलाई 1847 को, और 3 जुलाई 1947 को ये रखा गया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन ने इसे अनुमति दी थी। तो हमारा सही आंसर होगा 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, सूची एक्स को सूची वाई से आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी, ये इससे सुमेलित हो गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी मेंबर, प्रारूप समिति में जो 7 मेंबर थे उनमें से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी, ये इससे सुमेलित हो गया। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वो थे VT कृष्णमाचारी, ये इससे सुमेलित हो गया। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य वो कांग्रेस सदस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कृष्णमाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचार मिलता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके विचार वर्तमान में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे प्रस्तावना में। अगला, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति संविधान सभा द्वारा कब प्रदान की गई? यानी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसे राष्ट्रीय गान बनाया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, कब किया गया? तो यह थी संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में इन दोनों को स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों के अलॉटमेंट से संबंधित है, राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है संविधान की चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई? भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जैनिंग्स या सरदार पटेल। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहने वाले जैनिंग्स, आपका आंसर होगा जैनिंग्स। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संस्थाओं से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? नगरीय संस्थाओं से संबंधित मतलब नगर पालिका से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो नगर पालिका से संबंधित संविधान की 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख मिलता है? तो ये संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची इनका जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। साथ में ये भी तरह याद रखें कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इसका जो वर्णन मिलेगा वो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो हमारा सही आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। BR अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, उन्हें चुना गया था, मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ था, तो किसके द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। और हमारा सही आंसर है संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन है। कथन ये है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही कथन है। और इसको एक गृहित संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि विदेशों का प्रभाव, अलग अलग देशों का प्रभाव, काफ़ी अलग अलग देशों से काफ़ी कुछ ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको गृहित संविधान कहते हैं। अब ये कह रहा है कि उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है? तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सत्य तो है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ये तो नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये आपका सही आंसर है। दोनों कथन सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं है, सांविधानिक अधिकार, ये आपका आंसर है कि निर्वाचित होने का अधिकार और मताधिकार का अधिकार, ये दोनों मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार दोनों नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, उस समय तक भारत सरकार कार्य कर रही थी, किसके आधार पर काम कर रही थी? यानी भारत की आज़ादी से लेकर भारत का संविधान लागू होने तक भारत का जो शासन चलाया जा रहा था वो किस आधार पर चलाया जा रहा था? तो इसका आपका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ये किसने प्रस्ताव दिया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा? और ये प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया। इस क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ये तो आंसर नहीं है। क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, ये भी आपका आंसर नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ये आपका सही आंसर है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस बाहर था? ये किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस बाहर था? ऑप्शन है ऑस्टिन, सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो कथन है, ये कथन है ऑस्टिन का, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में? तो हमारा सही आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था, 1934 में दिया था। अगला 46वां प्रश्न है, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, जो संविधान सभा में प्रांतों से 292 सदस्य लिए गए थे उनके बारे में पूछ रहे हैं, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तथा और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? ये भी नहीं है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये आपका सही कथन है कि प्रांतों से जो संविधान सभा में जो मेंबर लिए गए थे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 10 जून 1946 को। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को। अगला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 दिसंबर 1949 को। और जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? ये आपको देखना है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं।
पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उस उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह भी सही कथन है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आत्मअर्पित किया है, यह भी सही कथन है। अगला, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है क्योंकि राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो ये कथन आपका गलत है। यानी तीन कथन आपके सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उस सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? और हमारा सही आंसर है जे बी कृपलानी, कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन ही लागू होगा, ये बात क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह आपका बिल्कुल सही आंसर कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ये किसका सुझाव था कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए? चार ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी? और हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये विचार था कि जैसे भारत आज़ाद हो जाए तो भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित सही शब्दों का सही क्रम विन्यास क्या है? संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास, तो हमारा सही आंसर है विचार, विश्वास, धर्म। जो हमारा सही आंसर है, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, गलत है ये ऑप्शन। तो अगला है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारा सही कथन है। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और अगला आंसर है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे? नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन या संघीय व्यवस्था? देखिए 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान पारित हुआ था उस दिन कुछ उपबंध उसी दिन प्रभावी हो गए थे, उस दिन लागू हो गए थे, वो थे नागरिकता से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित। यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थ्री, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी लास्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे दोस्तों संविधान निर्माण से संबंधित 53 प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की है। इसके बाद इसी प्रकार से डेली एक एक टॉपिक की हम बात करते रहेंगे। चलिए, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप याद भी कर लेंगे इसे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।